चैनल स्टाइल कॉर्नर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी हाउ टू स्ट्रेट योर हेयर। सो यहाँ पे मेरी बहुत ही शॉर्ट हेयर है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेट कर सकती हूँ। अगर आपकी लॉन्ग हेयर है तो कुछ ऐसी टिप्स है जिससे आप बहुत जल्दी अपनी हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। सो या अनदर क्लियर फेस डे। सो या मैं दोपहर को सो के उठी थी, मैं अभी नहाई, मैं इवनिंग वीडियो बना रही हूँ। सो या बहुत ज़्यादा क्लियर फेस है, कोई भी मेकअप नहीं है मेरी फेस पे सिर्फ लिप बाम के अलावा। मैंने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाई क्योंकि मुझे अभी और भी वीडियोस बनानी है। सो या अगर आप देखना चाहते हो आपको कैसा अपनी बाल को स्ट्रेट करना है, तो वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस, मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियोज़ जो है उसमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, थैंक यू फॉर दैट। आप लोग बस वीडियो देख रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, दैट इज़ रियली मीन टू मी। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस फिलिप्स स्ट्रेटनर, मेरे पास ये कम से कम 3 साल से है एंड ये बहुत अच्छी काम करती है, डिसेंट काम करती है एंड मुझे पसंद है ये इसकी जो भी काम है। एंड या मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ अपने बाल को स्ट्रेट करने के लिए। तो मैं इसको प्लग इन कर देती हूँ, फिर करते हैं अपने बाल को स्ट्रेट। सो गाइस, मैंने स्ट्रेटनर को प्लग इन कर लिया है एंड अभी मुझे अपनी बाल को डिटेंगल करना है। जब तक वो हीट हो जाए तब तक मैं डिटेंगल कर लेती हूँ। मेरी शॉर्ट हेयर है तो मेरी हेयर भी बहुत ही जल्दी डिटेंगल हो जाती है। मेक श्योर आपकी बाल वेट ना हो, मेरी बाल यहाँ पे थोड़ी सी वेट है पर जब तक मैं वो स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ तब तक तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो मैं ड्रायर यूज़ करूँगी तो मुझे बैक हेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी हेयर को डिटेंगल कर लिया है एंड फ्रॉम अभी मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी बाल को डिटेंगल कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ मैं ईयर्स की एरिया से अपनी पीछे की हेयर जितने भी है इसको मैं अलग डिवाइड कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ अपनी हेयर को एंड मैं इसको ऊपर की तरफ टाई कर लेती हूँ। सो या आप चाहो तो कॉम की हेल्प भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉम की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट हेयर जो फ्रंट सेक्शन में है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं कॉम की यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फिंगर्स की भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप एक बन कीजिएगा ताकि आपकी जो भी फ्रंट सेक्शन है वो आपकी बैक की बाल को डिस्टर्ब ना करे। सो यहाँ पे मैंने एक बन बना लिया है एंड यहाँ पे मैं एक पिन से इसको सिक्योर कर लेती हूँ। आप चाहो तो क्लिप की यूज़ कर सकते हो पर मेरी इतनी कम हेयर है तो मेरे लिए पिन से काफ़ी है। सो मैं इसकी जो भी पीछे की बाल है यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेंगल कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे ये जितने भी मेरी पीछे की बाल है उसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ। सो ये मैंने डिवाइड कर लिया है मेरी सेक्शंस एंड मैं इसमें भी 2 सेक्शंस बनाती हूँ या 3, जितनी आपकी लेंथ होती है, सॉरी जितनी आपकी वॉल्यूम होती है आप उसके हिसाब से अपनी सेक्शंस को डिवाइड कीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी स्ट्रेटनर है उसको लिया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट सेक्शन जितने भी है मैंने थोड़ा सा ही सेक्शन लिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत आराम से इसको करना होता है एंड होल्ड इट फॉर सेकेंड एंड स्ट्रेट कर लीजिएगा। बस अब देख सकते हो ये स्ट्रेट हो गया है एंड नेक्स्ट मैं इसकी पीछे की सेक्शन एकदम से लूँगी और मैं पहले सिक्योर कर लेती हूँ कि कोई बाल बीच में ना आ जाए। अब देख सकते हो इतनी सेक्शन को मैं फिर स्ट्रेटनर में रखूँगी, फिर इसको ऐसा करूँगी। सो आप देख सकते हो स्ट्रेटनिंग करने के बाद बाल की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि जो आपकी वेवी हेयर है वो स्ट्रेट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बाल और लंबे दिखने लगते हैं एंड सॉफ्ट भी हो जाती है। ये फिलिप्स की ये स्ट्रेटनर्स की मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये बाल को बहुत सिल्की कर देती है, ड्राई नहीं बनाती है। सो ये वाली जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर लिया है एंड इसको मैं पूरा एक बार होल्ड करके पूरा एक बार मैं फिर से बना देती हूँ।
या दे यू गो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी सी स्ट्रेटनिंग हेयर मुझे मिल गई है एंड यू। सो मैं इस वाली को भी ऐसे ही कर देती हूँ। दे यू गो, आप देख सकते हो एक स्ट्रेटनिंग अच्छे से बाल मुझे मिल गई है। इफ़ यू वांट यू कैन कोम देम। या तो या आप देख सकते हो एंड यहाँ पे मैं दूसरी सेक्शन जो भी है उसको अलग कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ जो भी है। सो या यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया एंड मैं अपने आईब्रोज से ऐसे ले रही हूँ, यू गेट दैट। सो अपने आईब्रोज की ऊपर की हेयर को मैं ले रही हूँ एंड इसको मैं बन बना के छोड़ देती हूँ। इसको हम फिर से बनाएंगे। सो मैं जो जितने भी बाल को रिलीज़ किया है उनको भी यहाँ से मैं इसको अलग कर लिया दो सेक्शन में। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आपकी जो भी नीचे की सेक्शन है आप बैक कर सकते हो और इनको फ्रंट कर सकते हो, तो आपकी सेक्शंस जो भी है अलग अलग हो जाएंगे, आपको डबल डबल काम नहीं लगेगी। सोया इसको मैं थोड़ा सा डिटेंगल कर लेती हूँ एंड बिल्कुल सेम स्टेप्स में फॉलो करते हुए इनको भी स्ट्रेट कर लेती हूँ। सो इस साइड की जो भी हेयर है मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं इस तरफ की हेयर को अभी करूँगी। सो आप जब भी स्ट्रेट करते हो आपकी फेस को ऐसे बेंड कीजिएगा और आपकी जो भी पार्ट है इसको ऐसा दूर रखिएगा और आप कुछ ऐसे कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी फेस पे या नेक पे हीट नहीं लगेगी। ये मेनली मेरी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपके स्ट्रेटनर की वजह से हीट लग सकती है और ये इसकी मतलब जल सकती है वो पार्ट। सो मेक श्योर यू आप दूर रख के स्ट्रेट कीजिएगा। सो एज़ यू कैन सी गाइस, यहाँ पे मेरी हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं एंड मुझे अभी ऊपर की करनी है। सो या ऊपर की मैं अपनी टिप बताती हूँ, बेसिकली लोग कुछ अलग ही तरीके से करते हैं, मैं अपनी टिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो या मैं इसको पहले ओपन कर लेती हूँ एंड मेरी जितने भी हेयर है इसको मैं पीछे कर लेती हूँ। सो या एंड यहाँ पे मैं जो मेरी हेयर पार्टीशन है मैं उस तरह से अपने बाल को यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ एंड मैं इसको डिटेंगल कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हेयर जो है वो ड्राई हो गई है। मुझे मेरी हेयर पे इतनी यकीन तो है कि इतने कम बाल तो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो या आप देख सकते हो ये जितने भी मेसी हेयर है इसको मैं अभी मेरी जो भी सेक्शन वाइज है मैं ऐसे ही इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं एक अच्छे से पहले पार्टीशन बना देती हूँ ताकि स्ट्रेट करने के बाद मेरे भी बाल ऐसे ही रह जाए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम स्टेप्स रिपीट करूँगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बाल अच्छे से स्ट्रेट हो रहे हैं। सो मेक श्योर आप जब भी फ्रंट सेक्शन कर रहे हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि आपकी फ्रंट सेक्शन और बैक सेक्शन अलग ना दिखे। फ्रंट पे थोड़े हेयर कम होते हैं कुछ लोगों को, तो वो लोग स्पेशली ध्यान दें, जैसे कि मेरे हैं, मेरी फ्रंट सेक्शन में हेयर बहुत ज़्यादा कम होती है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ जब मैं इनको स्ट्रेट करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं बहुत बार इसको कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी फ्रंट की सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा वेवी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा आराम से कर रही हूँ एंड आई हैव डन।
या मैंने डन, मेरी हेयर जो है ये फ्रंट सेक्शन की स्ट्राइट हो गई है एंड मुझे इस तरफ की करनी है। मेक श्योर आप जब फेस की हेयर कर रहे हो तो आपकी फेस स्ट्रेटनर से दूर रखिएगा, जितना हो सके उतना क्रॉस कीजिएगा, जिसकी वजह से आपकी फेस पे ये स्ट्रेटनिंग की हीट ना लगे और आपको आपकी फेस जल ना जाए। मुझे बहुत बार नेक पे लग गया था, मैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसको यूज़ करना सीख गई। तो मेरी कुछ टिप्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। सो या मुझे इतनी बाल नहीं चाहिए और मुझे इसको स्ट्रेट करना है, तो या कर लेते हैं। तो जब एंड पे आ जाती है तो यूजुअली मैं बाल को जहाँ से दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्रंट की बाल मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो मैं इसको अलग से स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आ जाए और इनकी लुक अच्छी हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आराम से और ज़्यादा स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि ये फ्रंट की हेयर दिख बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ या बाहर जाती हूँ तो मेरी हेयर अच्छे से दिखने के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करती हूँ। सो गाइस, मेक श्योर आप हमेशा स्ट्रेट ना करें हेयर को, क्योंकि हीट जो है अपने बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज बना देती है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आप मेक श्योर कि आप ज़्यादा ही ना करें। सो गाइस, वी आर डन विद आवर हेयर। आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से अपनी हेयर को स्ट्रेट कर लिया है। एंड डू फॉलो माय टिप्स, आप अगर चाहते हो कि आपकी हेयर बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। आप देख सकते हो कहीं पे भी ऐसा कर्ल वेव्स नहीं है, पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो गया। एंड ये मेरी कटिंग की प्रॉब्लम है, जो ऐसा एक लंबा छोटा दिख रहा है, उन्होंने कटिंग ठीक से नहीं किया। सो या एक अच्छी वेव स्ट्रेटिंग हेयर मुझे मिल गई है। सो ये थी गाइस ये आज के मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने भूलिएगा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। एंड मुझे आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे और भी ग्रो करना है चैनल को, मुझे और भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड गाइस, लव यू।